बहुत खुशी की बात है कि ट्रांसफर पेटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो पैसा लेकर बैठे हुए उनसे हाथ जोड़ कर विनती है, सब NIS कैंडिडेट हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। आप बोल रहे थे कि बड़ा वकील उतार देंगे, तो अब उतार दीजिए। आप मिलजुल कर साथ काम कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बिखर रहे हैं पैसा। ऐसे भी एक बार बर्बाद कर चुके हैं, अगर यही पैसा आप लगा करके ट्रांसफर पेटीशन में जाते तो हो सके कहीं उस टाइम ही सुन लिया जाता, अब टाइम भी बर्बाद हो। बस यही इच्छा है हम लोग की कि आप एक अच्छा वकील उतार दीजिए, क्योंकि अब एक जगह बच्चा पैसा देकर फंस गया हुआ है तो वो नहीं देना चाह रहा है, देगा तब न कि काम भी हो। तो एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो आप जो बोले हैं उसे पीछे नहीं हटिए प्लीज। हम लोग का बात थोड़ा रखिए, हम लोग बहुत परेशान है, जितने भी राज्य के हैं सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, प्लीज एकजुट होकर के सभी लोग काम कीजिए तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। एकता में बल होता है, प्लीज सभी लोग एकजुट होकर के साथ होकर के काम कीजिए। हम लोग सदा आभारी रहेंगे आपका, कभी एहसान नहीं भूलेंगे। लास्ट बार एकदम जी जान लगा करके कर दीजिए, और इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग भी हार मान लेंगे, लेकिन नहीं होगा कैसे, जब इतना मेहनत करके हम लोग गए हैं तो कुछ तो जरूर होगा। बस सभी लोग एक साथ हो जाइए, 14 लाख हैं, हम लोग कमजोर थोड़ी है, चाहेंगे तो पूरा सरकार हिला देंगे या नहीं कुछ होगा, बस हम लोग में एकजुटता नहीं है। सभी लोग एकजुट हो जाइए प्लीज। एक बात और, जितने भी मेरे NIS भाई बहन हैं, जितने भी अंकल हो या आंटी हो, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने अंदर को जज्बातों को कभी मरने नहीं दीजिए। याद कीजिए वो दिन कैसे हम लोग स्कूल करा करके फिर स्टडी सेंटर पे जाते थे, जो हाई एग्जाम लिया वो सब हम लोग कैसे भूल जाएंगे। अपने आप को कभी नीचा नहीं गिरने दीजिए, यही मेरे अंदर हमेशा जगा रहा है, इस वजह से मैं आवाज उठाती रही। जो हम लोग को इतना बर्बाद करके इतना परेशान कर रहे हैं, अभी वोट भी चल रहा है, उसमें मजा भी चखाइए और तन मन धन लगा करके एकदम आत्मबल के साथ लड़िए भी, जरूर हम लोग कामयाब होंगे।